गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह मेरे को नया ड्यूटी मिला है जिसको लेके आंगन में घुमाने का। कोई सेंस है इस बात की? हेलो बोल दो सबको ब्लॉग पे। उसको देखिए गाइस, जितना जूता का कल जूता सब लाए थे खरीद के, उसको देखिए यहाँ पे सजा के रखा है। डब्बा के अंदर दिखाओ तो क्या है डूडो? देखिए सारा जूता निकाल के जूता के डब्बा में क्या डाल के रखा है। इसमें तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है क्यों? उसमें भी कुछ डाल देता। और गाइस कल यही खरीद के लेके आया था, ये स्प्रिंग। उसको बोले कि डुगू विलो बैट खरीद लो, काम आएगा। वो विलो बैट की जगह पे स्प्रिंग खरीदा। टाटा टाटा बेटू, नहीं डोडो। गाइस डुगू चला के जा रहा है और उसके बहन वाले अभी आए जस्ट इधर पहले। अब हम भी घर चलते हैं और अपने इधर का हाल देख लीजिए। क्लाउडी वेदर किया हुआ है अभी, मैदान में पानी सूखा नहीं है। टाटा डोडो, चलते हैं घर, ऑफिस की तैयारी करते हैं और आपको कोलकाता की स्ट्रीट्स का रिव्यू देते हैं जो प्लांटेशन किए थे सैटरडे को। गाइस डुगो देखे घर पहुंच गए हैं और पापा देखे साइकिल ठीक कर रिपेयर कर रहे हैं। अरे साइकिल, ये मेरे से उम्र में बड़ा है ये साइकिल, इतना पुराना है, मतलब 35-36 साल हो गया ना भाजी। 30 साल, मतलब हमसे छोटा है 5 साल का। पापा अभी उसका रिपेयरिंग कर रहे हैं। अगर चलते हैं, आप तैयार होते हैं ऑफिस के लिए और आपसे मिलते हैं इन द ऑफिस ब्लॉग। थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, पी के फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिस ब्लॉग गाइस। 10:20 टाइम हो गया, अभी जाके हम ऑफिस पहुँचे। क्यों? क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते में फंस गए थे, बाद जो कि हमको रेनकोट निकालना पड़ा। तो चलते ऑफिस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। घर से निकले तो बारिश पकड़ लिया, आना पड़ा, लेकिन फिर भी भीग गए अंदर से। 12:05 हो गया है और हम निकल गए काम के लिए साउथ कोलकाता। और अभी स्टैंड रोड पे है गाइस। जैसा कि हम आपसे बोले थे कि पहले जो शनिवार को प्लांटेशन की उसका रिव्यू करेंगे, हेलमेट लेके निकल गए हैं। तो चलते पहले आपको प्लांट सब दिखाते हैं कैसा है, किस कंडीशन में है प्लांट सब, उसके बाद अपने काम पे निकलेंगे। तो थोड़ी देर पहले निकल गए सर से बोल के। चलते हैं, जब तक टाइम है आपको प्लांट दिखा देते हैं जितना हो सकता है। तो गाइस ये धूप देखिए, कभी छाव तो कभी धूप। ये देखिए गाइस, और गाइस ये जामुन का पेड़ था जो हम लेके आए थे, और ये भी अच्छा कंडीशन में है अभी तक फिलहाल। आगे चलते हैं। और गाइस देखिए रस्सी बांधने का फ़ायदा, देख रहे हैं, संडे गया फिर भी डंडा है, दैट मीन्स रस्सी ज़रूरी था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखिए तो गाइस यहाँ पे जो नीम का पेड़ था इसका देखिए डंटल टूटा हुआ है, मतलब यहाँ पे नया एक पेड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत लंबा गैप है दोनों पेड़ के बीच में। ये देखिए, ये देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है गाइस, बट इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये ज्यों का त्यों पड़ा हुआ, देख रहे हैं, ये देखिए। तो गाइस ये रहा पीपल का, सॉरी बनियान ट्री जो प्लांट किए थे। ये मंदिर के सामने में है, ठीक मंदिर के बगल में शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। तो ये पेड़ भी लग गया है, ये पेड़ भी लग गया है गाइस। और एक प्लांट किया है नीम का पेड़, ये देखिए। इस प्लांट का हाल देखिए गाइस, फिर भी ये प्लांट लगा हुआ, देखिए छोटा छोटा पत्ता निकला है। और ये एक रहा गाइस, ये भी ठीक है। और वो रहा बनियान ट्री अपना। तो गाइस सारे पेड़ों का कंडीशन सही है, बस अब वेट करना है कितना जल्दी ये सब बड़ा होता है। चलते हैं अब अपना काम कर लेते हैं, 12:15 टाइम हो गया है। गाइस 1:30 बज रहा है और हम काम करके आ गए हैं। और बिनाल पता है क्या हुआ है? बिनाल मेरे को चटनी लाने के लिए बोला था, हम चटनी लेके नहीं आए। और गाइस और एक गुड न्यूज़ है कि नीम के प्लांट का जो ऑर्डर दिए थे वो प्लांट आ गया है, भैया फ़ोन किए थे। तो आज हो सके तो ऑफिस से घर जाते टाइम वो प्लांट सारा लेते हुए चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे। 45 मिनट टाइम हो गया है और हम खाने आए हैं, तो साथ में ये भी आया है।
और वो तो अपने टाइम पे आ जाता है खाने के लिए, देखिए बैठ के खा रहा है, तो कॉफी का टाइम इधर उधर नहीं होगा, वो एक बजे खा लेता है। बट अभी काम से आया है, थोड़ा लेट हो गया, अभी 1:45 बराबर। देखते हैं अपनी वाइफ भी क्या दी है। तो गाइस देखिए, आलू का सब्जी, पूरी, अचार, और मृणाल का देखिए रोटी और कुमड़ा का सब्जी और अचार। तो ये तब से मेरे को बोल रहा था भाई नीचे से चटनी लेके आ, नीचे से चटनी लेके आ, बट हम लाने नहीं गए, मतलब ला नहीं पाए। नहीं आज ठीक है, चलो आज सोमवार है, सावन का महीना है वो भी। और गाइस ये कॉमरेड है, फिर भी नास्तिक होके बोल रहा है सोमवार है और मंगलवार है। तो गाइज मीट आवर ड्राइवर जी, बहुत दिन के बाद अपने चैनल पे आए हैं, इवन की ऑफिस में भी बहुत दिन के बाद आए हैं, बेचारे को छुट्टी नहीं मिलता, कल रात में 12 बजे तक ड्यूटी होती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देख रहे मुंह सूख के कैसा हो गया, कमाता भी डबल है हम लोग से, ऐसे ही नहीं 12 बजे रात तक वो बैठा हुआ। तो गाइज जब आपकी किस्मत में आराम लिखा ना हो ना, तो आप कितना भी कोशिश कर लो आपको नहीं होगा आराम। 4:15 टाइम हो रहा है, अभी मेरे को अलीपुर का काम हो जाए, गाइस शाम का टाइम है, अभी छुट्टी होने का टाइम है, ऑफिस का छुट्टी होने का टाइम है, तो अभी मेरे को वापस लौटने में 5:30 जाएंगे, तब हम रेस्ट करेंगे, तब हम चाय पी, तो चाय का प्रोग्राम कैंसिल, चलते हैं अलीपुर काम करके आते हैं। गाइस जैसे तैसे आज का दिन कंप्लीट हुआ, हम 6:45 ऑफिस पहुँचे, 5:30 वहाँ ब्लॉग शूट किए और 10 किलोमीटर 15 मिनट में कवर किए गाइस। मतलब क्या आप समझ सकते कितना तेज हम गाड़ी चलाए हम, और ये दोनों भाई लोग को रोक के रखे बिकॉज हम नहीं आते तो ये लोग भी नहीं जा पाते। तो गाइस आज का ऑफिस ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं होम ब्लॉग। सो गाइस अगेन एज आई सेड इट गुड मॉर्निंग, कि हम दुकान में आएंगे अगर टाइम मिला तो प्लांट सब लेने के लिए, कितना अमेजिंग प्लांट्स लेके आएगा जी, इतना बड़ा बड़ा नीम का प्लांट लेके आए, ये बहुत सूटेबल है स्ट्रीट प्लांटेशन के लिए, बिकॉज छोटा छोटा पेड़ तो उछल के आदमी चला जाता है, बट ये रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। गाइस ये देखिए स्पेक बूम का, जो कि नेचुरल एयर प्यूरीफायर है, यहाँ पर कितना सारा प्लांट्स नया नया आया है। और ये गाइस मेरे को घर पे करने का मन है, रबर का प्लांट जो है ये भी बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर होता है। तो गाइस ये भाई साहब हमको कल फ़ोन करके बोलते हैं जल्दी से आओ, सारा पेड़ निकल रहा है, अभी भी 10-15 यहाँ आके क्या देख रहे हैं, छोटा पहाड़ निकली चिड़िया, 8 प्लांट लेके रखे हैं मेरे सिर्फ एक, क्या बात कर रहे हैं। और देखिए उसमें आधा उखाड़ भी दिया, वो मुर्गा में अच्छी लगे, फिर से उसको प्लांट रीप्लांट करेगा पॉट में। यार इसके दुकान पे आते हैं ना हमको जाने का मन नहीं करता, इतना सारा प्लांट है मेरा। छुई मुई ये वाला देख कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ देखिए आम का पेड़ का कलेक्शन, ये देखिए, और इधर फ्लावर के प्लांट का कलेक्शन। तो गाइस अभी जितना मिला उतना लेके चलते हैं, बाकी ऑर्डर दे देते हैं बाद में ले जाएंगे, ये 8 प्लांट मिला है इसको तो पहले प्लांट करें। तो गाइस सारा प्लांट ले लिए हैं एंड दादा को अगेन वेरी वेरी थैंक यू। और गाइस और एक यूनिक चीज दिखाते जाते जाते, ये देख रहे हैं जस्ट लुक एट दिस प्लांट, थाई, ये थाई मौसमी का प्लांट है गाइस, इसमें देखिए मौसमी भी पकड़ लिया है, ये मैं आपको साइड करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये थाई मौसमी है। तो गाइस के साथ घर चलते हैं, ऑफिस ब्लॉग तो हो गया, प्लांट ब्लॉग भी हो गया। तो गाइस घर पहुँच गए हैं, तो बाहर में पहले से रेडी है, प्लांट का नाम सुन के पेड़ का नाम सुन के, ये देखिए बारिश में रहना तो रात में फटाफट तैयार होते हैं दुकान के लिए, थक गए एकदम, सूख गया कोई बात नहीं नया लेके आया था। तो गाइस डेली इसके लिए कुछ ना कुछ मेरे को लेके आना पड़ता है, आज इसके लिए लीकेबल्स लेके आए हैं,
तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, अदरवाइज इसको मेरे से कोई मतलब नहीं रहता है। देख रहे हैं, और इधर छोटू सोया हुआ है, इनसे भी मिल लीजिए। सेम निकल गया, दिखाओ ब्लॉग में दिखाओ। तो गाइस फटाफट तैयार होते हैं, डुगू को छोड़ते हैं, दुकान जाते हैं। तो गाइस 10:02 टाइम हुआ है, डुगू उधर जिद कर रहा है कि आज मैं खाना खिलाऊंगा सबको, मतलब वो सर्व करेगा सबको खाना, डैट इज वाई वो जगा हुआ है अभी। तो पूरा पूरी 10:02 टाइम हुआ है, फटाफट घर चलते हैं। आज इसको भी बोल दें कि हम तेरा काम अभी नहीं करेंगे, वो घर जाना है, डुगू को सुलाना है, कल उसका फिर से एग्जाम है। तो गाइस फटाफट घर चलते हैं, मेरा भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो घर चल के ब्लॉग का एंड करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, घर पहुंचने में लेट हो गया, टाइम देखिए 10:22 हो रहा है, और बारिश देखिए, देख रहे हैं कितना तेज बारिश हो रहा है। और गाइस ये जो नीम का पेड़ लेके आए थे, इसका पत्ता पीला पीला हो गया था, जो इसको बारिश का बहुत ज़रूरत था, देखिए भगवान ने सुन लिया। और गाइस अनफॉर्चुनेटली डूडू सो गया है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इंस्टाग्राम हैंडल जिससे हो रहा है फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। और डेली ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।